अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय सैम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो मेरी रहने वाली है दरगाह शरीफ पे, जो कि शादरा शरीफ दरगाह है उस पर। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, पहले ये जम्मू कश्मीर में है और जम्मू से 160 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और ये जायद बहुत ही ज़्यादा पाक है और प्यारी भी। तो देख सकते हो आप, ये है इसका एंट्रेंस गेट और दूसरा गेट उधर ऊपर है, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको इसके सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये रहने वाली है कि आज आपको मैं मॉर्निंग का व्यू भी दिखाऊंगा, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, और नाइट का व्यू भी दिखाऊंगा आज कि नाइट में ज़ाहिर कैसी दिखती है और मॉर्निंग में कैसी दिखती है। बहुत ही मज़ा आने वाला आप सबको, और इस ज़ाहिर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो कि मैंने पुराने लोगों से सुनी है और वो आपसे शेयर करूँगा। तो पहले आप सिनेमैटिक एंजॉय करो मॉर्निंग के, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, फिर नाइट के सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने पुराने लोगों से सुना है, सुनने में आया था, उन्होंने बताया था कि जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इनकी ज़ियारत हुआ करती थी, छोटी सी बैठक थी वहाँ पे, तो वहाँ के जो लोग थे उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, चोर थे, ज़ियारत पे आते थे, बाबा की चोरी कर लेते थे और बाबा को तंग करते थे काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ के लोग बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और बाबा ने वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया था और एक गली है शायद से छत्ता वाली गली करके नाम है, तो वहाँ से इन्होंने क्या किया था, जो ये स्लीपर्स पहनते थे इन्होंने क्या किया, उनकी जो डस्ट थी वो भी इस एरिया में ना आए, तो वो इन्होंने वहाँ से जब यहाँ पे क्रॉस हुआ तो इन्होंने वहीं से उस साइड फेंक दिया कि उस मुल्क की मीन्स कि उस जो एरिया है उसकी यहाँ पर मिट्टी भी ना आए कि ये लोग ख़राब हो जाएँ। तो गाइज़, मैंने यही सुना था, अगर ये क्या पता ये सच है, अगर सच है तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता देना, क्योंकि मैंने तो ये सुना है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने से बना रहा हूँ, जो मैंने सुना मैंने आपको बताया। तो एंजॉय करो व्लॉग को, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको ज़ियारत के बारे में। तो गाइज, ये देख सकते हो आप, ये जो है देखो पार्क कितनी ज़्यादा प्यारी है, और ये यहाँ पे गेस्ट हाउस है, अगर आप आते हो यहाँ पे इंजॉय कर रह सकते हो शाम को, और इंजॉय भी करोगे क्योंकि पार्क वगैरह है, और ज़ाहिर शुरू पे आओगे, दुआ मांगोगे, आपकी मुरादें पूरी होंगी। तो और एक और चीज़ बताता हूँ आपको ज़ियारत के बारे में, यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अपनी मुराद मांगते हैं कि अगर हमारा ये काम हो जाएगा तो हम ये चीज़ चढ़ाएंगे, और जो लंगर शरीफ में काम करते हैं कुछ लोग तो यहाँ के वर्कर्स हैं, और कुछ लोग हैं जो कि मन्नत मांगते हैं कि अगर हमारे घर ये चीज़ हो जाएगी या हमारा ये ठीक हो जाएगा तो हम 10 दिन काम करेंगे यहाँ के, 5 दिन करेंगे। तो इसी तरह वो आते हैं जब उनकी मुराद कम्प्लीट होती है, तो जो उन्होंने मन्नत अपना कहा होता है, वादा किया होता है बाबा से, तो वो पूरा करते हैं। तो गाइस, चलते हैं अब ज़ियारत शरीफ के अंदर, देखते हैं वहाँ का व्यू, और सबसे पहले आपको मैं ज़ियारत शरीफ का पेड़ दिखा देता हूँ और उसके बारे में भी कुछ बताऊँगा थोड़ा बहुत।
तो गाइज अब आपको मैं बताने वाला हूँ जो ऑरेंज ट्री मैंने आपको दिखाया उसका राज बताता हूँ थोड़ा। तो गाइज पहली बात तो ये, इस पर 12 मंथ्स ऑरेंज रहते हैं और जो ऑरेंज है वो चाहे रेनफॉल हो चाहे स्नोफॉल हो वो नहीं गिरते, हैवी रेनफॉल हो चाहे हैवी स्नोफॉल हो, हैवी विंड पे हो तो भी नहीं गिरते। तो गाइज अगर ये जो जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे अपने दिल की मुराद रखकर ट्री के नीचे बैठते हैं और जिसकी झोली में वो गिर जाता है उसकी दिल की मुराद कंप्लीट हो जाती है ऐसा माना जाता है और हुई भी है यहाँ पर और लोग मानते भी हैं इस चीज़ को। और ये जो ज़ारत बहुत ही ज़्यादा पाक है और भी मैं आपको बताता हूँ ज़ारत के बारे में कुछ। ये जो आप मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हो ये है लड़कियों की मस्जिद, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, तो चलते हैं अंदर। गाइज अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ लड़कों की मस्जिद में, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी है, तो चलते हैं। तो गाइज चलते हैं अब ज़ारे शरीफ के अंदर, देखते हैं वहाँ का व्यू। तो गाइज अब चलो नाइट सिनेमैटिक्स इन्जॉय करो, ज़्यादा नाइट में कैसे दिखती है तो कमेंट सेक्शन में करके बताएं कौन सा व्यू आपको अच्छा लगा, नाइट या मॉर्निंग। मुझे तो दोनों अच्छे लगे, आपको क्या लगा, कब विज़िट करना चाहिए नाइट में या मॉर्निंग में। तो गाइज अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय 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 बाय।